नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस महीने में आप भगवान शिव की पूजा करके मनचाहा फल भी पा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस महीने में शिव भक्त अपनी कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं और मंदिरों में जाकर शिवलिंग जलाभिषेक भी करते हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में परेशान ना हो और घर पर ही रहकर किस तरह से आप करेंगे भगवान शिव की पूजा और कैसे होंगे भगवान शिव आपकी पूजा से प्रसन्न, आइए जानते हैं विधि। अगर आप सोमवार को विशेष पूजा करते हैं तो सोमवार के दिन जल्दी उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान की अच्छी तरह से साफ सफाई करें, वहां गंगा जल का छिड़काव करें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है, आप साफ पानी से भी उस जगह को साफ कर सकते हैं। अपने घर पर ही शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक करें। शिवलिंग अगर आपके घर पर नहीं है तो परेशान ना हो, भगवान शिव की मूर्ति या फिर तस्वीर पर ही चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान शिव को सुपारी, पंच अमृत, नारियल, बेलपत्र, फल फूल आदि अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं हैं, तो घर पर मौजूद चीजों से ही शिव की पूजा करें। अब दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद शिव कथा और शिव चालीसा का पाठ कर महादेव की आरती करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।